हाल ही में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉलर कार्तिक त्यागी ने 4 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई, जिसके बाद कार्तिक के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें, हापुड़ के गांव धनोरा के इस युवा खिलाड़ी ने तो मेहनत की ही, लेकिन कार्तिक के पिता हमेशा उसके साथ खड़े रहे। कार्तिक त्यागी के पिता योगेंद्र त्यागी एक किसान हैं, जो कि खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अपने बेटे को क्रिकेट खिलाने के लिए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। योगेंद्र ने बताया कि कार्तिक को बचपन से क्रिकेट का शौक था। जब वो छोटे थे तभी उस सबसे पहले एक ड्राइंग क्रिकेट के ऊपर बनाई थी। किसान आदमी के लिए और इस लाइन में जाना जिसके बारे में नॉलेज ना हो तो उसमें थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। हमें कोई क्रिकेट के बारे में नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन लड़के को जब इस चीज़ की लगन लगी तो फिर हमें भी लगा कि भाई, कहता था हमसे जब छोटा था कि भाई मुझे पढ़ना नहीं है और मुझे तो क्रिकेट नहीं जाना, तो हमें भी फिर लगा कि भाई इसे क्रिकेट के बारे में कुछ सिखाना चाहिए। तो हमने 2-4 लोगों से बात की और फिर एक हमें कोच मिले विपिन वत्स, जो सबसे पहले उसके भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार के कोच थे। तो हमें जब पता लगा हमने उनसे बात की और फिर हम स्कूल लेते हम आगे और ये आज तक जो हम कोचिंग कर रहे हैं। 11th पास की इसने और 11th के बाद में फिर इसके पास टाइम नहीं रहा, तो 2 साल ये इंटर के एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाया। जब भी इंटर के एग्ज़ाम होते थे तभी इसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से कॉल आ जाती थी और ये मान लिया कोई एग्ज़ाम छूट गई थी तो इंटर भी नहीं। ठीक है, मैं एक छोटा सा किसान आदमी और किसान के सामने तो हर तरह की समस्या रहती है, क्योंकि आज हमारा मान लिया हमने गन्ना बोया और गन्ना बोने के बाद में तब वो कटाई होने के बाद में फिर वो डला डलने के बाद में उसका अगली साल पेमेंट आया, तो सबसे पहले तो पैसे की दिक्कत आती है, तो उसमें भी हमने बहुत स्ट्रगल करा। कार्तिक का बचपन अपने ननिहाल में बीता, वहीं उनकी पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद कार्तिक ने हापुड़ के एक स्कूल में पढ़ाई की। 12वीं के पेपर देते हुए उन्हें 2 बार खेलने के लिए बुलाया गया और उनकी 12वीं की पढ़ाई अधूरी रह गई। कार्तिक के पिता ने बताया कि आर्थिक समस्या के चलते उन्होंने कई बार कार्तिक को क्रिकेट किट दिलाने के लिए पैसे उधार तक लिए, लेकिन योगेंद्र कार्तिक के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं